वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 20। जी दोस्तों, आज हम सोल्यूशन नंबर 20 करेंगे। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 90 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होगी, जहाँ पे जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्हीं 5 ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री करना बहुत ही सिंपल है, आपको ये देखना है कि ये 5 ट्रांजेक्शन के गोल्डन रूल्स को समझना है और देखना है कि वो किस अकाउंट के अंडर में आते हैं। इसके बाद आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे। एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। अगर एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से क्या रखा है, लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कर दीजिए और सेम ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दीजिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, अपने आपको एज एन अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के परस्पेक्टिव सोचे। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हुई ट्रांजैक्शन होने पे और क्या चीज डिक्रीज हुई। आइए अब शुरू करते हैं अपने जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 हमें कह रही है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो अब क्या हुआ कि 50,000 के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, आग लगी बिजनेस में, आग लगने की वजह से 50,000 के गुड्स बेकार हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप समझिए कि बिजनेस में आग लगी, गुड्स में आग लगी, तो क्या हुआ, ये एक तरह से बिजनेस के लिए लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस इंक्रीज हो गया। तो लॉस इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर जगह डेबिट कर दीजिए। साथ ही परचेज, क्योंकि परचेज गुड्स में आग लगी है तो परचेज क्या होगी, परचेज भी डिक्रीज होगी। परचेज क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो परचेज को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब आग लगी तो परचेज हमारे पास कम होगी ना, तो परचेज को हम करेंगे क्रेडिट और जो लॉस हुआ है हमें उसे करेंगे हम डेबिट। तो इसको जब लिखेंगे वो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जब भी लॉस वाली एंट्री है तो याद रखिएगा आपको कैसे लिखना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद आपको अमाउंट लिखना है, डेबिट साइड आएगा 50,000, क्रेडिट साइड आएगा 50,000। अब आप नरेशन लिख दीजिए। आई होप आपको पहली जनरल एंट्री समझ में आई होगी। अब करते हैं सेकंड एंट्री, गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक तो हमने गुड्स को चैरिटी में बांट दिया एज अ फ्री सैंपल, मतलब गुड्स हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ फ्री सैंपल, ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट होगी। और दूसरा हमें कह रहा है कि 20,000 के हमने चैरिटी के थ्रू 20,000 रुपीज दे दिए, चैरिटी के थ्रू 20,000 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब समझिए इसको हम टू पार्ट्स में करेंगे। पहले हम जो करेंगे, हम करेंगे गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब ये एडवर्टाइजमेंट करिए एज अ फ्री सैंपल, जब हमने गुड्स बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तो फ्री सैंपल की जाती है, जैसे कि जियो ने करी थी। जब जियो आया तो आपको याद होगा कि सबको फ्री में दिया था 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए हम सिम कार्ड फ्री में दे रहे हैं, आप यूज करिए। तो ये बिजनेस को करना होता है। अब ये क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, क्या हुई, एडवर्टाइजमेंट करी बिजनेस ने अपनी। तो एडवर्टाइजमेंट एक तरह का बिजनेस के लिए खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। दूसरा क्या हुआ, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो परचेज हमारे क्या हो जाएगी, जब हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया तो परचेज हमारे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, वो बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा था, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो गया और परचेज हमारी कम होगी, तो इसको आप क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट में आप लिखिए 18,000 डेबिट साइड, 18,000 आप क्रेडिट साइड लिखिए। अब क्या है, क्योंकि अब ये अगली एंट्री भी 20,000 पर गिवन एज अवे एज अ चैरिटी इन कैश, ये हम इसी ट्रांजेक्शन की दूसरी एंट्री करेंगे, सेपरेट एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, 20,000 वर गिवन अवे एज अ चैरिटी इन कैश। तो अब क्या हुआ कि 20,000 रुपए दिए एज अ चैरिटी, तो चैरिटी भी एक तरह के लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसको पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और कैश क्या हुआ, कैश दे दिया अपने, तो कैश तो एक तरह का एसेट होता है, एसेट हमारे पास कम हो गया, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिए 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। आई होप आपको सेकंड ट्रांजेक्शन में समझ आई होगी, जिसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। अब करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रही है गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय अ प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज।
तो 25,000 रुपए के गुड्स, 25,000 के गुड्स और 40,000 का कैश बिजनेस के प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो ये होगी एक तरह से ड्राइंग। क्या होगी? ड्राइंग। तो ड्राइंग जब भी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे। दूसरा, उसने गुड्स भी निकाले 25,000 के, तो परचेज गुड्स उसने विड्रॉ किए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, गुड्स निकाले हैं तो परचेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो परचेज को आप क्रेडिट करेंगे। साथ ही कैश भी उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो कैश एक तरह का एसेट होता है तो वो भी कम हो जाएगा, तो कैश भी आप क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब ड्राइंग में टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया उसने? 65,000। कैश में कितना विड्रॉ किया? 40,000। और परचेज कितने गुड्स कितने विड्रॉ किए उसने? 25,000 के। तो इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद सेम आप इसकी नरेशन लिखेंगे। आप करते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज अ चैरिटी। आप देखिए द्वारा चैरिटी की गई है, चैरिटी में दान दे दिया गया है। गुड्स दिए गए 20,000 रुपीज के, कैश दिया गया 5,000 रुपए का। आप चैरिटी एक तरह के लिए एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट कर दीजिए। गुड्स हमारे पास कम हो जाएंगे क्योंकि दे दिए गए हैं और 20,000 रुपीज के गुड्स कम हो जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे आप उसको। और कैश भी हमारे पास कम हो गया, कैश एक तरह का एसेट होता है वो भी कम हो जाएगा, तो पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट करेंगे। इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे टोटल चैरिटी कितने की थी? 25,000 की। कैश में कितना दिया? 5,000। और गुड्स में कितना दिया? 20,000। इसके बाद आप इसके नरेशन लिख देंगे। आई होप आपको फोर एंट्री भी समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल एंट्री है, आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, थोड़ा सोचना है, गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, तो आपको कभी भी जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ। कैश रुपीज 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम दी आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। अब क्या हुआ? 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस से चुरा लिया गया। बिजनेस से क्या हुआ कि चोरी हो गया। अब इससे बोलते हैं कि बिजनेस में क्या हो गई? चोरी हो गई। अब चोरी हो गई बिजनेस में तो ये एक तरह का क्या हो गया? बिजनेस को लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लॉस जब इंक्रीज होता है पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे। और साथ ही क्या हुआ? कैश कम हो गया हमारे पास। कैश चोरी हो गया तो कैश हमारे पास कम हो गया, तो एसेट हमारे पास कम हो गए। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिखेंगे 1 लाख रुपीज डेबिट साइड, 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड। तो याद रखिए कि जब भी आपको ये आए कि स्टोलन हो गया, चोरी हो गई है, तो आप इसका यूज करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब करते हैं इसकी नरेशन लिखिए। अब इसको करना आपको टोटल, टोटल करके डेबिट साइड आएगा 2,78,000 और यहाँ पे क्रेडिट साइड भी आएगा 2,78,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।